गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बन क्या होता है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसके अपरूप क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अगर प्रश्न आता है कि कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं उनको बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी साथ में होती है, इसलिए कार्बन के यौगिकों को बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। मेनली बोला जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स। कार्बनिक यौगिक ये 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला तो ये हाइड्रोकार्बन ही हो गया। हाइड्रोकार्बन एक होता है भाई एल्कोहल, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। एक होता है हेलो एल्केन। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो एल्केन, ये 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सब में पढ़ना क्या है कि जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उनका नोमेनक्लेचर और उनके एक दो यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं क्या हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और हाइड्रोकार्बन का मुख्य सोर्स क्या है, मतलब इसका स्रोत क्या होता है हाइड्रोकार्बन का, इनका मुख्य स्रोत होता है भाई जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, या ये कह लो कि कच्चा तेल जो होता है, कच्चा तेल जिसको पेट्रोलियम भी बोला जाएगा, वहां से मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने क्या शुरू कर लिया, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। मतलब जैसे कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ी है तो जो बनेगा वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है ना, तो एक कार्बन है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैंने वैसे जनरल बताया है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दो तरह के हो गए ये, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम इनको अब एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। ये याद रखना कि कार्बनिक यौगिक ये 6 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेलो एल्केन। इन सब को एक एक करके पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले हमने उठा लिया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त को देख लेते हैं हम। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो ये तो पढ़ चुके हम कि कार्बन कार्बन से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं श्रृंखलन। अगर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो बढ़ने वाला यौगिक जो होगा वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे भी जुड़ सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत लंबी श्रृंखला हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, चाहे कितनी भी लंबी श्रृंखला हो लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक आबंध है, देखो एकल आबंध है। आबंध ऐसे भी हो सकता है सी, ऐसे दो आबंध भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल आबंध है तो बढ़ने वाला कार्बन का यौगिक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच
दो या तीन अबंध हो, ठीक है, तो बनने वाला यौगिक होगा असंतृप्त। ये दोनों तो होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात याद रखना, अगर इनमें से किसी के भी बीच द्विआबंध है, जैसे यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कि कहीं भी कोई एक अगर द्विआबंध है या त्रिआबंध है, तो वो बन जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब सारे के सारे आबंध अकेले होने चाहिए, एक ही आबंध होने चाहिए, तब वो बनेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कोई भी जैसे इनमें से ये द्विआबंध वाला बन गया तो ये बन जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या त्रिआबंध वाला बन जाए तो तब भी वो बनेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये बात याद रखना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जब कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो तो बनने वाला यौगिक क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है भाई एल्केन भी बोला जाता है इनको, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी बोला जाता है, एल्केन। और एल्केन का साधारण सूत्र क्या होता है, पेपर में आ जाएगी, साधारण सूत्र क्या होता है इनका, साधारण सूत्र होता है CnH2n+2। यहां n का देखो, ये n है, n मतलब क्या है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। n का मान अगर हम यहां रखते जाएंगे तो जो यौगिक बनेंगे वो सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेंगे और उनका नाम पड़ेगा एल्केन, वो सारे के सारे एल्केन होंगे। अब एल्केन का कौन सा एल्केन होगा वो स्टडी करते हैं। आप लोगों को साइंस में कुछ गिनती, जैसे आपने 1 to 10 काउंटिंग तो की होगी, तो साइंस में भी कुछ गिनती है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे मीथ, मीथ मतलब एक, ये याद रखना, मीथ, मीथ, ईथ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ओक्ट, ओक्टा, नैना और डेका, ठीक है, डेका। ये काउंटिंग आप लोगों को याद रखनी है। मीथ का मतलब क्या होता है, एक समझ लो, ईथ का मतलब होता है दो, और प्रोप का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब इनसे नोमेनक्लेचर होगा, मतलब जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे उनके नाम कैसे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन सिर्फ संतृप्त नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी नाम किस प्रकार पढ़ेंगे वो इसी से निकल के आएगा। तो इसको याद करना जरूरी है, इनको याद कर लेना ये 10 तक। तो भाई आप लोगों को ये 10 तक याद करना ही पड़ेगा, अगर ये याद हो जाएंगे तो आप नोमेनक्लेचर मतलब क्या इनका नाम आसानी से बता सकते हो। अब जैसे ये 10 तक हो गए और ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया एल्केन का CnH2n+2, अब क्या क्या करेंगे हम, ये n का मान 1 रखेंगे, n बराबर है 1, तो सूत्र क्या बनेगा, देखो Cn का मान 1 रखें, 1 H2 n की जगह 1 + 2 क्या बना C1H2 और 2 4 CH4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र क्या बन गया CH4, ठीक है, ये सूत्र बना। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, यहां से उठा लो, मीथ, मीथ है और है क्या, ये एल्केन में है तो मीथेन बन जाएगा, क्योंकि ये एल्केन का है तो नाम क्या पड़ेगा इसका, मीथेन, मीथेन, ठीक है। अब n का मान हम रखेंगे 2 रखेंगे तो C2H2 है ना, n की जगह 2 + 2 क्या बनेगा C2H6, 2 × 4 = 6 C2H6, ये क्या होगा सूत्र, नाम क्या पड़ेगा ईथ है ना, तो ईथ एल्केन में ईथेन बन जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ेगा भाई ईथेन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो C3H2 × 3 + 2 क्या बनेगा C3H8, नाम क्या पड़ेगा प्रोपेन, प्रोपेन, देखो प्रोप था ना तो प्रोपेन। ऐसे ही आप लोग बना सकते हो, क्या 4 रख के बनाओगे तो नाम आएगा ब्यूटेन, 5 जब रखोगे तो नाम आएगा पेंटेन,
जब छह रखोगे तो नाम आएगा हेक्सेन, ठीक है, और सात रखोगे तो हेप्टेन, ठीक। इस प्रकार अगर हम इस सूत्र में एन का मान एक दो तीन इस प्रकार रखेंगे तो जो हाइड्रोकार्बन निकल के आएंगे तो उनके नाम क्या होंगे, सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक। ये तो हो गए सूत्र। अब आती है इनकी संरचना, कि संरचना क्या है। जैसे इसकी संरचना देखो, इसमें तो कार्बन एक ही है, तो कार्बन एक और चार, चार इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो हम इनको सीधा दिखा सकते हैं एच 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 और एच, ये कार्बन एक्चुअल देखो तो 2D में है, बोर्ड पे बना हुआ है। हकीकत में क्या होता है कि कार्बन क्या है, बीच में है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन लटके हुए हैं, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड, इस साइड, ऐसे इस प्रकार इस पे हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, और इनके बीच में आबंध कौन सा है, सहसंयोजी आबंध। ज्यादातर कार्बन यौगिक का हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध। तो ये आबंध, सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बना, चलो वो देखते हैं हम। देखो कार्बन की संयोजकता होती है चार, पढ़ चुके हम, तो इसका हम बिंदु संरचना बनाए। बिंदु संरचना भी मैं पहले बता चुका हूं सेकंड चैप्टर में, कि बिंदु संरचना का मतलब है पहले किसी तत्व तत्व का प्रतीक लिखेंगे। जैसे कार्बन की बिंदु संरचना अगर हम बनाना चाहें तो कार्बन का प्रतीक लिखा और उसके बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बिंदु से दिखा देंगे, ये होगी कार्बन की बिंदु संरचना, ठीक है। अब ये कार्बन जैसे इसके आसपास हाइड्रोजन के परमाणु आएंगे तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, मान लो एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके बाह्य कक्ष में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन की बिंदु संरचना है। एक ये हाइड्रोजन है, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है, जब हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मिलाया तो लाखों तो परमाणु हाइड्रोजन के हैं, लाखों ही परमाणु किसके हैं, कार्बन के हैं। तो क्या करेगा, एक कार्बन का परमाणु चार हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्डेड कर लेगा। बस वो होती किस प्रकार है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हाइड्रोजन इसके बाह्य कक्ष में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, ये इसकी बिंदु संरचना है। बहुत सारे हाइड्रोजन के परमाणु पड़े हुए हैं, उनके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के परमाणु पड़े हुए हैं, उनके बाह्य कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, इनको क्या चाहिए, इनको अपना बाह्य कक्ष पूरा करना है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ साझेदारी करेंगे। जब देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसके जैसा, नोबल गैस जैसा। नोबल गैस सबसे पहले कौन सी है, हीलियम। हीलियम के बाह्य कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कोशिश करेगा कि इसके बाह्य कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसके लिए ये साझेदारी करेगा, इसकी एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही चाहिए, इस परमाणु को एक ही चाहिए, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के ये ले ली भाई इसने, ठीक है। अब इसको भी ये स्टार से मैंने दिखाया है, किसको, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, और ये डॉट से मैंने दिखाया है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन को चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको ले लेगा, इसको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा ये ले लेगा, इसको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा ये ले लेगा, तो सभी हाइड्रोजन की संयोजकता पूर्ण होगी, मतलब बाह्य कक्ष हो गया पूर्ण। अब रह गया कार्बन, कार्बन के पास है चार, इसको चाहिए चार, तो ये इन सब से एक एक के साथ साझेदारी करेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये कार्बन की, अब कार्बन की भी पूरी होगी, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आबंध बनता है, ये बात याद रखना, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो एक आबंध बनेगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये एक बन गया। इस प्रकार ये होगी संरचना, किसकी संरचना, ये होगी मीथेन की संरचना। ये पेपर में आ जाता है कि मीथेन की संरचना क्या है, सूत्र क्या है और संरचना क्या है, ठीक है भाई, बात समझ में आई होगी। अगर हम इथेन की देखें, इथेन की देखो, इथेन पहले तो ये समझने की कोशिश करना, यहां से पता चल जाएगा आपको कि उसका सूत्र क्या होगा और उसकी संरचना क्या होगी। अगर लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगी इथेन, अब अगर आपको ये काउंटिंग याद है तो आप समझ जाओगे इथ देखते ही कि कार्बन कितने होंगे, कार्बन होंगे दो, और एन है तो इसका मतलब है वो एल्केन में से होगा, और एल्केन में से है तो उसका साधारण सूत्र हम बना सकते हैं क्या, CnH2n+2 से इथेन में, क्योंकि ये सूत्र लगेगा, क्योंकि वो
एल्केन में है और एल्केन में कितना इथेन है, तो कार्बन की संख्या कितनी आएगी, दो आएगी। तो यहाँ दो रख के टू सी टू एच गुना दो प्लस टू सी टू एच सिक्स, तभी समझ जाओगे आप लोग कि सी टू एच सिक्स इसका सूत्र आ जाएगा, किसका, इथेन का। अब इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, अबंध हमेशा कार्बन कार्बन के बीच बनाएगा, याद रखना ये। जब लंबी श्रृंखला बनती है तो हम अबंध को कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे, कभी आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखो नहीं, हमने देखना है कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध है कि द्वि अबंध है कि त्रि अबंध है। अब इथेन है तो कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध ही आएगा, तो दो कार्बन है तो सी सी, याद, क्योंकि इथेन में है तो एकल अबंध ही होगा, तो ये हो गया ना। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खत्म हो चुका है इसके साथ अबंध बनाने में, याद रखना इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अबंध बनाने में, क्योंकि इसके साथ भी तो साझेदारी करी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका खत्म, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके, भाई एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ये रह गया, एक यहाँ रह गया, इसके भी एक यहाँ रह गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनको कितने चाहिए, इनको चाहिए भाई तीन तीन और इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, ठीक है ना। मतलब चाहिए तो चार ही थे, लेकिन एक तो इसके साथ रह कर लिया ना इसने, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक तो इसके साथ कर लिया, तो एक दो तीन, इसको तीन और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे ही ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ साझेदारी करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हाइड्रोजन की होगी पूर्ण। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने कैसे पूर्ण किया भाई, अगर मैं इसको भी दिखाऊं ऐसे, तो इस कार्बन की कैसे पूर्ण होगी, इसने एक तो इस कार्बन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया, तो ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस कार्बन की समझ सकता होगी पूर्ण। इस कार्बन की कैसे पूरी होगी, तो इसने इसका लिया था, ये इसका लिया, फिर ये इसका, ये इसका, इस प्रकार से ये काम हुआ है। एक्चुअली इसमें हुआ जो है संरचना बनाने के लिए ये दिखाना पड़ जाएगा। अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक अबंध बनता है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो सी एक एक एक, यहाँ भी एक अबंध बनेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो ये इसकी संरचना है, ये संरचना है भाई इथेन की, बात याद रखना इथेन की। बस आप लोगों ने ध्यान क्या देना है संरचना बनाने के लिए कि कार्बन कार्बन के बीच अबंध कौन सा बनेगा, अगर वो एल्केन में है, एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच बनाना क्या है, एकल अबंध बनाना है। किसी की भी संरचना बना सकते हो, ये इथेन की बनाई तो आप प्रोपेन की बना सकते हो, प्रोपेन का सूत्र क्या निकल गया, C3H8, तीन कार्बन है, सीधा लिख दो C3 कार्बन, ये लिखे हुए क्योंकि प्रोपेन है ना, एल्केन में है तो हमने एकल अबंध लिखना। अब सोच सकता है इसकी पूरी करनी है, किसकी, इस कार्बन की, तो एक तो हो चुकी है, दो तीन चार, इसकी पूरी करो, एक दो तीन चार, इसकी पूरी करेंगे, एक तो यहां होगी, दो तीन चार, सभी पे हाइड्रोजन लगा दो बस, ये हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो हाइड्रोजन ही लगेगा। जब हम पढ़ेंगे दूसरे कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, उनमें हाइड्रोजन के साथ साथ दूसरा भी कोई तत्व जुड़ेगा, कोई परमाणु जुड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ेगा, तो हम उसमें बात करेंगे। यहाँ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, तो ये संरचना होगी भाई किसकी, प्रोपेन की, ठीक है, बात समझ में आएगी, ये होगी भाई किसकी, प्रोपेन की संरचना। ऐसे ही आप लोग बना सकते हो ब्यूटेन की, ब्यूटेन मतलब नाम से ही समझ जाना, अगर ये कॉपी याद होगी तो ब्यूटेन, ब्यूटेन अगर लिखा मिले ब्यूटेन तो समझ जाएंगे हम, ब्यूट मतलब कार्बन कितने हैं, चार, और एन लगा है तो ये एल्केन में है, तो सूत्र क्या आ जाएगा, C4H2+2C4H10, ये सूत्र आ जाएगा निकल के। अब इसकी संरचना बनाने के लिए कहेगा, तो सीधी सी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो चार कार्बन सीधे लिखो बस, उनके बीच में एक कला बंध बना देंगे, ये बना दिया। अब इसकी संरचना पूरी करो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो पूर्ण कर देंगे, ये होगा भाई, ठीक है, ये एच एच पूरी सभी जगह पे एच लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ठीक। तो ये संरचना बन गई, किसकी बन गई, ये संरचना हो गई भाई ब्यूटेन की, ब्यूटेन।
अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का सूत्र आप निकाल लेना C5H12L, ठीक है। एक सीधा सा वैसे सीधा तरीका भी बता देता हूं मैं, अगर किसी सूत्र में कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दो ज्यादा है, जैसे देखो 5 × 10 = 2 = 12, मतलब कार्बन के दुगने से दो अधिक है तो वो एल्केन का ही होगा, ये बात याद रखना। अब इसकी संरचना बना लो, आप कैसे बनाओगे, देखो संरचना 5 कार्बन बनाने पड़ेंगे ऐसे 5 कार्बन, क्यों, क्योंकि पेंटेन है। अब सीधी सी बात है, इसकी संरचना पूरी करोगे पहले इसकी, एक यहाँ हो गया 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया, सभी पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ये संरचना किसकी बन गई, ये संरचना हो गई भाई पेंटेन की, ठीक है, ये संरचना किसकी हो गई पेंटेन की, ठीक। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि ये मैंने पेंटेन बना दिया और पेंटेन का सूत्र मैंने बनाया क्या, पेंटेन का सूत्र मैंने बनाया था C5H12L, एक ब्यूटेन का मैंने बनाया C4H10, ये बनाया, और पेंटेन का बनाया C5H12। अब पेंटेन की मैंने एक संरचना बनाई क्या, C, ये 5 कार्बन बना के सीधी सी संरचना ये बना दी, ठीक है ना, काउंट कर लेना, इनको काउंट करोगे हाइड्रोजन को तो ये आएंगे 12, ठीक है। अब ये हो गया, अगर मैं इसकी बजाय इसको लिखता हूं इस प्रकार से, 4 कार्बन और 1 कार्बन को लगा दिया मैंने यहां पे C, तो अब इसकी संरचना बनेगी 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए देखो, इसके लिए 1 2 3 और 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है, इसके लिए एक क्या हो गया 2 3 4, सभी जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। ये संरचना है, ये तो ये संरचना हो गई किसकी, ये भी पेंटेन की है। अब एक एक और बना सकते हो, जैसे 1 2 3 ये लिखा, एक कार्बन यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया भाई, अब इनको पूरा करेंगे 1 2 3 4, इसको पूरा करेंगे 1 2 3 4, इसको 1 2 3 ये पूरा है, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये पूरा। अब इनमें से किसी को भी आप देखोगे सभी का सूत्र है C5H12, काउंट करके देख लेना चाहिए, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसको देखोगे इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसको देखोगे इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो क्या ये सभी समान है। देखो ये जो चीज है ये ऐसे यौगिक बन गए अब जिनका सूत्र एक जैसा है लेकिन संरचना अलग अलग है, इनका सूत्र सभी का C5H12 है लेकिन क्या संरचना समान नहीं है, ये इसको हम पेंटेन नहीं बोलेंगे, ये ब्यूटेन बनेगा 1 2 3 4, और ये ब्यूटेन के दूसरे कार्बन पे कोई अलग समूह जुड़ गया इस टाइम, हम इसको पेंटेन नहीं कहेंगे, ये जो बना है इसको 1 2 3, ये 3 कार्बन हम मुख्य श्रृंखला को ही देखेंगे और मुख्य श्रृंखला के अनुसार उसको नाम देंगे, तो ये जो हम ये मेन कार्बन चेन है मुख्य श्रृंखला है, ये तो साथ लगी हुई चेन बन गई है समझ लो, अब ये पेंटेन नहीं रहेगी, ये सूत्र इसका जरूर बनेगा C5H12, इसका भी सूत्र बनेगा C5H12, लेकिन नामकरण जब करेंगे नामकरण में ये पेंटेन नाम नहीं पड़ेगा इसका, इसका सूत्र है C5H12, तो इनको बोला जाता है समावयव, क्या कहेंगे समावयव, ऐसे पेपर में आ जाए कि समावयव क्या है समावयव, तो ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है लेकिन संरचना अलग अलग है उनको बोला जाता है समावयव। पेंटेन के 3 समावयव बन सकते हैं, इसको बोला जाता है एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, इसको बोला जाता है आइसो पेंटेन और इसको बोला जाता है नियो पेंटेन, ठीक है।
आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये पेपर में आ जाता है कई बार कि पेंटेन के कितने संरचनात्मक समायोग बन सकते हैं, तो वो तीन बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्रोपेन का देखें हम, अगर प्रोपेन का तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया मैंने, अगर ब्यूटेन की बात करें, चलो ब्यूटेन का देख लेते हैं क्या ब्यूटेन के कितने समायोग बनेंगे। ब्यूटेन में क्या होते हैं, चार कार्बन होते हैं, एक दो तीन चार, एक तो यही है नॉर्मल सी बात हुई, कार्बन हाइड्रोजन लगा देंगे, ये ब्यूटेन है चार कार्बन है, ये एक समायोग है। अब एक दो तीन, एक यहाँ लगा दिया, ये भी समायोग किसका है, ये भी ब्यूटेन का समायोग है, क्योंकि इसमें भी सूत्र इसका भी वही है C4H10, इसका भी C4H10 है। अब क्या इसको हटा के हम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं नहीं लगाओगे, लगा के देख लो, ये हटा के हमने, कभी आप लोग ये सोचो कि एक और बन जाएगा, हमने उसको हटा के यहाँ लगा दिया, इस पे ये लगा दिया भाई, चलो ठीक है। अब देखो एक दो तीन, ये अभी भी वही है जो पहले लिखा हुआ था, बस इसको हमने इस लास्ट वाला, देखो ये लास्ट वाला जो कार्बन था ये पहले इसी कार्बन से दूसरे से तो जुड़ा हुआ था यहाँ पे, अब जब इसको हटा के हम इधर लगाएंगे ये अभी भी दूसरे पे ही जुड़ा हुआ है, बस इसको घुमा के घुमा दिया बस थोड़ा सा, बात वही है, ये यौगिक वही है, ठीक है, इसको इधर लिखो उधर लिखो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हम काउंट करेंगे जब एक दो तीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, रहेगा ये प्रोपेन ही, मतलब एक कार्बन को जब यहाँ लगाया हमने ये स्टार्टिंग में, ये एक तो ये हो गया और एक ये है। अब इसके अलावा अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेगा, वो यही रहेगा, चाहे आप किसी इसको हटा के यहाँ लगा दिया ना, तो अभी जो था वो और ये सेम ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ब्यूटेन के सिर्फ दो समायोग बन सकते हैं और प्रोपेन का कोई नहीं बन सकता, ये याद रखना, जैसे प्रोपेन में तीन कार्बन होते हैं, एक ही है बस इसका ये। अब सोचोगे इसको हटा के मैं यहाँ लगा दूं, तो अभी ये सीधे चेन थी, अभी ये थोड़ी बस मोड़ दिया आपको मैंने, बात वही है, ये है वही। कहने का मतलब क्या, प्रोपेन का कोई अलग समायोग नहीं हो सकता, ब्यूटेन के दो बन सकते हैं, पेंटेन के तीन बन सकते हैं, ठीक है। पेंटेन के तीन कौन कौन से हैं, तो पेंटेन में एक आएगा नॉर्मल पेंटेन, एक आएगा आइसोपेंटेन, एक आएगा नियोपेंटेन, ये पेपर में आता है भाई, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नामकरण, किसका नामकरण, नामकरण करेंगे किसका हम, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन, सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको हमने बोला था क्या, एल्केन, क्या बोला था, एल्केन, तो उनके नाम के पीछे एन लग जाएगा, एन, समझ गए, इंग्लिश में ए एन ई जुड़ जाएगा, जैसे यहां मैंने बताया था ईथ, ईथ के पीछे क्या लगा दिया, एन, तो बना इथेन, प्रोप के पीछे जुड़ गया एन, तो बन गया प्रोपेन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में, नामकरण में सिर्फ पीछे क्या लग जाता है, एन लग जाएगा और उसका नाम वही पड़ जाएगा। अगर कार्बन की संख्या एक है तो मीथेन, कार्बन की संख्या दो तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे नाम हम देते हैं। और नाम हमेशा जो मुख्य श्रृंखला होती है उसी से लिया जाता है, जैसे ये श्रृंखला बनेगी, ये श्रृंखला और इसके बीच में कहीं कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम काउंट करेंगे जिस साइड कार्बन जुड़ा होता है उस साइड से, मतलब ये नजदीक जिस कार्बन के पड़ेगा, जैसे इसके नजदीक है तो यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब ये पेंटेन है लेकिन एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इस समूह को बोला जाता है मिथाइल समूह या कोई भी समूह हो सकता है, तो ये समूह का अलग से नाम लिखा जाएगा। अगर ये नॉर्मल सी ऐसी है तो पेंटेन पड़ेगा और साथ में कोई समूह इसके किसी भी कार्बन पे जुड़ा होगा तो उसके अनुसार उसका नाम पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा रहता है टू मिथाइल पेंटेन, ऐसे नाम पड़ जाएगा, कि दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो टू मिथाइल कार्बेन पेंटेन, ठीक है। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर या नामकरण होता है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्केन।